सजावट का नहीं सामान, हम नहीं कोई गुलाम, हर एक मुश्किल काम को हम दे सकते हैं अंजाम। हौसलों के पंख लगा कर आओ भरे उड़ा, स्वर्ग से सुंदर बना के रख दे सारा ये जहां, हर एक उलझन से लड़ने की कर ले हम तैयारी। आज की नारी, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ बताने जा रहे थे। प्रकृति के बिगड़ने की वजह से और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है दुनिया में, ये देखिए। अगर ये खत्म नहीं हुआ तो दुनिया खतरे में। आप अपने डर के साये को संभाल के रखिए, ये आपकी बेटी के भविष्य पर मंडराने लगे। आप कहना क्या चाहते हैं? बेड़ियां पैरों में भी नहीं अच्छी लगती, आप तो उसके भविष्य में बेड़ियां लगा रही हैं। डीएफओ के मन में त्रिकाल की ऐसी दहशत पैदा करूंगा नहीं आएगी। कुछ नहीं, आप सोई नहीं? नहीं। पर तू चीखी क्यों? कुछ नहीं मामा, खतरनाक सा सपना देख लिया इसलिए चीख पड़ी। जो सपनों से डर जाती है वो हकीकत का सामना कैसे करेगी? जो हकीकत का सामना करने की हिम्मत रखते हैं वो सपनों से डर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है मम्मा? हकीकत की खौफनाक तस्वीर तुमने अभी देखी नहीं है बेटी। मम्मा प्लीज प्लीज इन चीजों से बाहर आ जाओ। आपने अपने आसपास इतने जाले बुन रखे हैं कि आप उसमें उलझ के रह गई हो। मैंने नहीं प्रकृति, किस्मत ने। किस्मत पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है मम्मा। देखो दुनिया में लोगों ने कितनी तकलीफें झेली हैं और आपने सिर्फ एक तकलीफ, उस एक दर्द से घबराकर आपने अपनी पूरी जिंदगी सहमे सहमे काट दी। हर दर्द का इलाज नहीं होता बेटा। होता है मम्मा, होता है। लेकिन जिस इंसान को दर्द की लत लग गई हो उसका कोई इलाज करे भी तो कैसे? इसीलिए तुम उन जंगलों में जाकर मुझे एक और दर्द देना चाहती हो? मम्मा प्लीज, नो नॉट अगेन। जिद छोड़ दो। यही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ, जिद छोड़ दीजिए मम्मा। प्रकृति बेटा, तुम्हारे साथ मेरी खुशियां और मुस्कुराहट भी चली जाएगी। सौदा मुस्कुराहटों का ही तो है मम्मा। अगर मैं चली गई आपके चेहरे से मुस्कुराहट चली जाएगी, और अगर नहीं गई तो मेरे चेहरे से। अब आपको तय करना है कि आपको किसकी मुस्कुराहट चाहिए। तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? क्यों उन जंगलों में अपनी बलि देना चाहती हो? पहले ही वो जंगल तुम्हारे पापा की जान ले चुके हैं। पापा है मामा, वो है, और ये मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूं। प्लीज मामा, फिर से ये कभी मत कहना कि मेरे पापा जिंदा नहीं है। पर मेरे ना कहने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना बेटा? तो मत कहो ना कुछ भी। आप अपने दर्द के साथ जियो,
और मुझे अपनी उम्मीद के साथ जीने दो। आ रहे मेरी बात सुनो, घर पर आने का सही वक्त क्या होता है मालूम तुम्हें? इस घर में आने का तो कोई वक्त सही नहीं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये घर ही नहीं। तो आते क्यों? क्यों आते? एक ही काम है तुम्हारे पास, बस बस बाप को जवाब दो, जबान दराजी करो, बदतमीजी करो, यही काम है तुम्हारे पास, और कोई काम नहीं है। आप मुझसे बेटे का फर्ज अदा करने की उम्मीद तो रखते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि आपने बाप का फर्ज कितना निभाया? अबे पागल हो गया क्या? आप मुझसे बेटे का फर्ज अदा करने की उम्मीद तो रखते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि आपने बाप का फर्ज कितना निभाया? क्या कहा तुमने? बाप का फर्ज? ये क्या है? ये अय्याशी जो करते हो किसके पैसों से करते हो तुम? बाप के पैसों से करते हो? ये सर छुपाने का जो आसरा तुम्हें मिला हुआ है, दो वक्त की रोटी मिली है, किसके पैसों से मिला हुआ है? बाप ने दिया ये। दो वक्त की रोटी और सर छुपाने का आसरा तो जेल में भी मिल जाता है, और ये मेरे लिए जेल ही है। अच्छा, जहां मैं शायद पिछले जन्म के पापों की सजा काट रहा। शाबाश, यही उम्मीद थी तुम? गुस्सा मुझसे हो तो मुझसे बात करो ना, क्योंकि राज पर क्यों बरस रहे? क्योंकि तुम पर गया है ये, इसको बिगड़ा हुआ है, अपने सर पे चढ़ाया हुआ है अपने लाल और प्यार से। चलिए आप ये तो मानते हैं कि मैं इसे प्यार करती हूं, पर ना प्यार किस चिड़िया का नाम है ये तो आपको पता ही नहीं है। अर्पणा, बस बस। वैसे भी हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा है मिस्टर बजाज, और अफसोस तो इस बात का है कि भरोसा भी नहीं रहा। कौन कहेगा आप लोगों ने लव मैरिज की थी? बेवकूफियां इंसानों से ही होती हैं भाई। थैंक गॉड आप मुझे इंसान तो समझते हैं। अरे तो क्यों रह रही हो मेरे साथ में, इंसान नहीं हो तो जाओ, बाहर जाओ, रहो जाके कहीं और। मजबूरी है, शरीफ खानदान की हूं मैं, शादी की है इसलिए निभा रही हूं। अम्मा पापा प्लीज। सॉरी बेटा, पर क्या करूं, इन्हें यही भाषा समझ में आती है। मुझे आती है, तुम्हें तो नहीं आती भाषा। तुम तो सही हो, जाओ 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 जाओ। गुड नाइट। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम भी जाओ, जाओ 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 जाओ, चलो। यही होगा, हद हो गई, बदतमीजी हैं बस। अबे जीप चला रहा है या ऊंट चला रहा है, कितनी उछल रही है गाड़ी? अबे पागल हो गया क्या? Thank you.
तलाशी लो इनकी। आप जानते नहीं हम लोग कौन हैं? अगली बार जबान खोलने से पहले याद रखना, खाल उधेड़ना हमें भी आता मुन्ना। सर आपका शक सही निकला सर, हाथी दांत खाले नाखून सब कुछ है इस जीप में। गिरफ्तार कर लो इनको। अगर ऐसे ही ओलंपिक में भगते तब तक गोल्ड मेडल मिल गया होता। टीएफओ, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे मालिक लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वही तो हम चाहते हैं कि तुम्हारे सारे बाप एक एक करके बिल से बाहर निकले। हैं? वाह शर्मा जी, अभी भी काफी जान है इन हाथों में। नहीं चले, रेस्ट कर ले। चल। एक दोस्त की तरफ से तोहफा समझ के रख लीजिए। मैं इतने कम फीस भी नहीं लेता। चलो कम ऑन रन। अरे क्या कर रही हो बेटा, टहलना नहीं है। कम ऑन दौड़ो फास्टर, यू कैन डू इट। कम ऑन कम ऑन, दौड़ो रुको मत। हाँ पानी पियो। पता कल मैं किससे मिला? किससे? तुम्हारी मम्मी से मिला। कहाँ? उनसे मिले तो मुझे 15 साल हो गए हैं। हाँ सर, वो मम्मी जो मुझे दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की बनाना चाहती थी, जिन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया, उन्हें पूरा करने का हौसला दिया, वो मम्मी जिन्हें मैं पापा के जाने के बाद पिछले 15 साल से ढूंढ रही हूँ, वो आपको कहाँ मिल गई? कहाँ मिली, कैसे मिली, ये सब मत पूछो। देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो नहीं चाहती कि तुम फॉरेस्ट ऑफिसर बनो। सवाल उनके चाहने का नहीं है सर, मेरे चाहने का है। लेकिन उनके भी तो कुछ अरमान है ना जो पूरे करने हैं तुम्हें। सर मेरे अपने कुछ अरमान है और वही पापा के अरमान थे। सर हमारे घर में 3 लोग हैं, तो मेरे 33% और पापा के 33% लो हो गए ना 66%। अरे बहुमत पे तो सरकार बन जाती है, सो एथिकली मेरा करियर तो बन जाना चाहिए, राइट? देखो बेटा मैं नहीं चाहता। हाँ सर मुझे पता है, आप भी नहीं चाहते कि मैं फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करूं।
और आप तो हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो इस हिसाब से वोटिंग 50-50% हुई। लेकिन सर, अगर मामला 50-50% का है तो हमें फैसला नसीब पर छोड़ देना चाहिए। आई मीन, कभी कभी तकदीर को भी आजमा लेना चाहिए, है ना? तकदीर आजमानी। एक बात कहूं बेटा, तुम्हारा यही जो जज्बा है ना, कभी कभी मुझे कायल कर देता है। मैं तुम्हारे साथ 10 seconds, 10 seconds देता हूं पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए। कम ऑन, डू इट। थैंक यू। ये रही आपकी कीमत डीएफओ शर्मा। मुजरा तो किया नहीं मैंने, फिर क्यों पैसे लुटा रहे हो? ये मत कह देना कि रिश्वत, क्योंकि डीएफओ विश्वनाथ शर्मा इस देश का एक ईमानदार ऑफिसर है जिसे रिश्वत से सख्त नफरत है। एक दोस्त की तरफ से तोहफा समझ के रख लीजिए। मैं इतने महंगे तोहफे नहीं लेता। तो फिर हमारे टैक्स को चेक पोस्ट से बाहर निकल जाने देने की फीस समझ के रख लीजिए। मैं इतने कम फीस भी नहीं लेता। और स्वीटी की पार्टी में जो मजा है कहीं नहीं होता है। राज, तुम आ रहे हो ना? बिल्कुल, चलेंगे ना प्रकृति? मैं कैसे चल सकती हूँ? आदमी समझदार हो। जानता हूं, 10 लाख। 10 करोड़ भी देके जाओ, ये तो सिर्फ 10 लाख है। इतना परेशान क्यों किया? शेर को मान से बाहर निकालने के लिए हाका तो लगाना ही पड़ता है ना। डर नहीं लगा? अगर बाबा नाराज होके मरवा देते तो? अगर डरता तो हेड ऑफिस में बैठ के फाइलें नहीं लाल कर रहा होता। वाह, हमारी दोस्ती अच्छी जमेगी। दोस्ती नहीं, बिजनेस। न तुम कोई जवान मर्द हो और ना मैं कोई हसीन लड़की। रिश्ता पैसों का है। जब तक नोट आते रहेंगे आपके ट्रक जाते रहेंगे। जब तक तुम्हारे जैसे लोग हों तब तक इस जंगल को कोई नहीं बचा सकता। कॉफी, कॉफी मिलेगी। विद शुगर लोगे या विदाउट शुगर? विद शुगर। सो स्वीटी, वेयर इज द पार्टी टुनाइट? सेम प्लेस हनी, बी देयर एट 8 शार्प। वही तुम आ रहे हो ना? मैं पार्टी में नहीं आऊंगा तो डांस फ्लोर सुना नहीं हो जाएगा। यो और स्वीटी की पार्टी में जो मजा है कहीं नहीं होता है।
राज तुम आ रहे हो ना? बिल्कुल, चलेंगे ना प्रकृति? मैं कैसे चल सकती हूँ? स्वीटी ने तो मुझे इनवाइट किया ही नहीं। देखा, प्रकृति कितनी समझदार है। इसे पता है बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। स्वीटी, प्रकृति को राज, बी देयर एट 8 पीएम शार्प। ओके, सी यू देयर। बाय। मैं स्वीटी से बात करता हूँ। इट्स ओके मोहित, और वैसे भी इनविटेशन दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। एज यू विश। बड़ी बदतमीज हो गई है स्वीटी। हो नहीं गई, हमेशा से थी। मैं भी नहीं जाऊंगा पार्टी। अरे तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें तो इनवाइट किया है। बट तुम्हें नहीं किया ना। ये कोई लॉजिक नहीं होता ना राज। आई मीन, कल को मेरी कोई फ्रेंड मुझे पार्टी के लिए इनवाइट करे तो मैं इसलिए ना जाऊं क्योंकि तुम्हें इनवाइट नहीं किया है। बट प्रकृति, रिश्तों को बोझ की तरह उठाकर चलोगे तो एक दिन वो इतने भारी हो जाएंगे कि उन्हें संभाल नहीं पाओगे। ये हर बात में तुम फिलॉसफी क्यों घुसा देती? ये फिलॉसफी नहीं है राज, मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। जिंदगी में दो रिश्तों को मिक्स मत करना राज, वरना एक को भी ठीक तरह से नहीं निभा पाओगे। तुम स्वीटी की पार्टी में जरूर जाना। ओके, छोटे लोगों से हम जैसों का सुख देखा नहीं चाहता। तुम जैसों को तो घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। काश आप स्वीटी के पापा नहीं होते तो आपकी इस बात का भी जवाब दे देते। तुम्हारे पास जवाब देने के लिए है भी क्या?